अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। रात इतनी हसीन है, फिर भी मेरे पास आने वाली प्रेम कहानियों में दुख है, खोना है, जुदाई है। आखिर प्रेम इतना बगाड़ी कि नींद आ जाएगी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बरे तू? मैं पास में ही हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, क्या तकलीफ, चिंच खोखली तक कस्टमर था। हाँ हाँ, तो मुझ पे किसी को डाउट नहीं हुआ। ठीक है, जल्दी आ जा। हाँ, तुम टेंशन मत लो, दूसरे पैसे वाले बने इसलिए हम रिस्क लेते हैं, सारा काम हम ही तो करते हैं। टेंशन क्या का दोस्त, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा सुन, पहुँचते ही फोन कर। अच्छा विनय, मेरी बात सुन। हाँ। मेरे घर पहुँचने से पहले सामान को बॉर्डर पार करवा दे, समझा ना? हाँ समझ गया, हो जाएगा, तू जल्दी आ जा। हाँ बस अभी आया, चल रखता हूँ। हाँ ठीक है।
सभी साइबर अटैक्स को 24/7 हमारे टूल से मॉनिटर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसका दूसरा फीचर भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कंपनी से इम्प्लॉयज के थ्रू कोई भी डेटा लीक होने की संभावना हो तो उसे लाइव मॉनिटर भी किया जा सकता है। सर हमारी कंपनी जो दे रही है वो दूसरी। I forgot your name. सर राधिका। या राधिका, I somehow missed it. Please sit, Radhika. Please. सच कहूं तो राधिका, मुझे इस प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं। मैंने विजय से बात की थी मेरे पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में। उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मुझे मदद की जरूरत है। सर हमने पहले डिस्कस किया था वो सर के डिवोर्स के बारे में। हाँ विजय ने बताया था, पर एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन है क्या समझ नहीं आया। ठीक है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। आप लोग को पता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। मेरी एक्स वाइफ चाहती है कि मैं अपनी आधी जायदाद उसके नाम करूं। एक तरह से ये चीप ब्लैकमेलिंग है। ओके सर, पर आपको हमसे क्या चाहिए? उसने मुझे चीट किया। राधिका सर की एक्स वाइफ का अफेयर चल रहा था, पर इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर तुम किसी तरह कोई एविडेंस निकाल सको मतलब तो... हैक करना है? यस, उसका फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, जो भी तुम कर सको। मुझे यकीन है उसका किसी के साथ अफेयर है, और एक बार अगर मुझे किसी तरह से सबूत मिल जाए फिर वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। आई एम सॉरी सर, पर हम ये काम नहीं कर सकते। देखो राधिका, विजय ने मुझे पहले ही तुम्हारी पॉलिसीज के बारे में सब कुछ बता दिया था और मैं उन सबसे अग्री करता हूँ, लेकिन इस काम की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत दूंगा। मैं 25 लाख की ऑफर रख रहा हूँ। मैं सॉरी सर, पर किसी की प्राइवेसी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है, और हमारी साइबर सिक्योरिटी फर्म से कहीं बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता। देखिए 2017 से प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गया है बाय लॉ। राधिका इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो ये इलीगल है, हम अरेस्ट हो सकते हैं। इस देश में यहाँ पर कितने मंत्री जन और ब्यूरोक्रेट के फोन हैक होते हैं, उन्होंने क्या किया है? और तो और सरकारी लोगों का भी फोन हैक होता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको जैसा होगा बता देंगे। ठीक है विजय, तो क्यों ना कल दोबारा हम शाम को मिले। कल ओके सर, कल बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू। ये साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत चलन में है ना? सर धीरे धीरे लोगों को इसकी अहमियत पता चल रही है सर, इसलिए आजकल हर कोई हैरा गहरा साइबर सिक्योरिटी के नाम पर ऑफिस खोलकर बैठा है। सर आइए। हेलो पापा। हेलो राधिका। सॉरी मैं मीटिंग में थी इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाई। मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं क्या? थोड़ा सा काम बाकी है पर कोई नहीं, मैं घर आके कर लूंगी। ठीक है पापा आ जाइए। ठीक है मैं निकल रहा हूँ। जी पापा बाय। अगली बार ऐसे चीप केस लेकर मेरे पास मत आना। ओहो, जैसे हमने पहले कभी ऐसा काम किया ही नहीं। किया है, कई बार किया है, और यही सब करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तुम्हें पता है ना सबसे पहले किसे हैक किया था? अपने पापा को। और उसके बाद कॉलेज के उस धोखेबाज लड़के को। लेकिन जब से मैंने इस काम को अपना प्रोफेशन बनाया है ये मेरे एथिक के खिलाफ है। राधिका तुम बात को समझ नहीं रही हो। मुझे समझना भी नहीं है विजय, हम उसकी वाइफ का फोन हैक नहीं करेंगे चाहे वो उसके लिए कितनी भी रकम दे। देखो पैसे से इंसान का पेट भरता है, एथिक से कुछ नहीं मिलने वाला। सॉरी फ्रस्ट्रेशन में ऐसा बोल गया, भूल जाओ। तुम भी भूल जाओ विजय, बग बाउंटी खेलने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं उसमें विनर हूँ। तुम्हारा पासकोड क्या है? क्यों चाहिए बताओ ना। ये मेरा पर्सनल फोन है। ओह प्राइवेसी। उसमें लॉक कोड नहीं है, फेस रिकॉग्निशन से खुलेगा। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। पहले ये बताओ काम क्या है। तुम्हें तुम्हारी वाइफ का पासकोड पता है? हाँ पता है। क्या है? 1234। तुमने ही सेट किया होगा ना? हाँ। क्यों उसको प्राइवेसी नहीं चाहिए? देखो विजय हमारे काम में ही ये प्रॉब्लम है, दूसरों की जिंदगी में दखल देने की टेंडेंसी ही है हमारे काम की, इसलिए हमें ये सब इतना नॉर्मल लगता है। फिर जब कोई हमें इस काम के लिए डबल पैसे देता है तो हम डबल हाँ करते हैं। इसी टेंडेंसी को हमें पहले रोकना है। पर मुझ में ऐसी टेंडेंसी नहीं है। तुमने कभी उसका फोन हैक नहीं किया है क्या? जो मन में आता है बोलती हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ऐसे घूर क्यों रही हो? सिर्फ एक बार किया था, वो भी शादी के पहले, ये देखने के लिए कि उसका कोई अफेयर तो नहीं है। देखो विजय हमें ये सब छोड़ना होगा,
हमने ये फर्म उनके लिए शुरू किया था जिनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई हो, ना कि उनकी प्राइवेसी को छीनने के लिए। उन्हें बता देना हम ये नहीं करने वाले। ठीक है। अच्छा सुनो, जब वो जा रहा था तभी कह दिया था हम ये काम नहीं करेंगे। हाँ, मैं निकल रही हूँ, पापा लेने आए हैं। ठीक है, कल सुबह मैं उस सिक्योरिटी ऑडिट का प्रेजेंटेशन दे दूंगी। बाय बाय। अरे बस करो बस करो, बाकी काम डिनर के बाद। मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, कल प्रेजेंटेशन देना है। ये पोटेंशियल कस्टमर है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं हमारे पास। बेटी, तुमसे ये स्टार्टअप का स्ट्रेस मैनेज हो रहा है क्या? ये सब सोचने के बाद ही तो नौकरी से रिजाइन किया था और ये कंपनी शुरू की थी, बट आई थिंक आई एम एंजॉयिंग दिस। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस एक बार तू करोड़पति बन गई ना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ओह, जैसे अभी तो आप खुश ही नहीं हो। अरे तू आखिर कहना क्या चाहती है? कल आपने बोला संगीत सम्मेलन में जा रहा हूँ, कहाँ गए थे आप? हाँ? तो तूने मेरी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, चक्कर चल रहा है? कोशिश तो कर रहा हूँ पर सेट नहीं हो पा रही। भाई एक तो मैं डाइवोर्सी हूँ, ऊपर से एक शादी लायक बेटी का बाप, दो दो प्रॉब्लम है। अब मुश्किल तो आएगी ही ना। लाली आंटी ने बताया कि आप वहाँ नहीं गए थे। उसने बताया क्या? आजकल वो मुझ पे कुछ ज्यादा ही नजर रखती है, मुझे तो उस पर शक हो रहा है। हाँ, सारी आंटी तो आपको ही देखती हैं। पापा, संगीत सम्मेलन में बोल के उन क्लब्स में जुआ खेलना बंद कीजिए आप। सम्मेलन में मैं बोर हो जाता हूँ। हाँ, अगर कहीं डीजे पार्टी चल रही है ना तो मुझे बताना। मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर एयरपोर्ट की टैक्सी चलाने वाले संतोष की हत्या हुई थी। पुलिस का कहना है कि हत्या नेशनल हाईवे के पास सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में हुई। पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। इस केस से जुड़े हुए एसपी नितेश शर्मा ने मीडिया को कहा कि उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है। अजीत, तो चले? कालिया, तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे तेरा फोन कहाँ पर है? कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ। अरे अंदर कहीं होगा। कभी तो अपने पास रखा कर, फोन ही नहीं उठाता। आ जाना। हाँ आता हूँ। तू अंदर चल। अजीत भाई। ये देखिए मैडम, ये नया प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा है। देखिए ना, इंग्रेडिएंट्स देखिए ना इसके। हाँ, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, ब्राइट भी हो जाएगी। रानी, मैं निकलता हूँ। ठीक है। विजो, क्या रे? हाँ ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ, अभी रखता हूँ। कौन है? कोई मार्केट की है क्या? हाँ बस समझ लो। अजीत है क्या? हाँ अंदर है। अच्छा, आ जा, शुरू हुआ। दुकान का क्या? रानी है ना, माल मिला के। माल टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। इस टाइम माल टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। हम
निकल रही हूँ। अभी तक तुम निकली नहीं? तुम फोन रखो, बस निकल रही हूँ। मैंने वादा किया था हम लोग 10 बजे तक भेज देंगे। बेटा जरा बाहर आना, कार्तिक तुम्हारा वेट कर रहा है। कौन कार्तिक? अरे अपने राजू अंकल का बेटा जो डॉक्टर है, दरअसल उसको तुमसे कुछ काम है, आ जाना मिल ले उससे। पापा मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अरे बस हाय बोल देना उसे, अगर वो तुझे अच्छा लगा तो बाद में डेट पे उसके साथ चले जाना। क्या मतलब है इसका? मैं इतनी उतावली हो रही हूँ कि अब आप मेरे लिए डेट ढूंढेंगे? दरअसल वो ऐसा नहीं, अच्छा लड़का है इसीलिए मैंने। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ, आप चलिए। पक्का आएगी ना? हाँ आ रही हूँ। कार्तिक, ये कार्तिक कौन है? वो पापा की अभी अभी सर्जरी हुई है ना, इसलिए। हाय बेटी कार्तिक। हाँ कार्तिक, जानती हूँ इन्हें। पर हम दोनों तो पहली बार मिले हैं। पर मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। कार्तिक राजशेखर, तुमने पढ़ाई की है सेंट जॉर्ज स्कूल से, फिर एलएपी मेडिकल कॉलेज गए। फ्रेंड्स तुम्हारी इकलौती वीकनेस है, पिछले हफ्ते ही मुन्नार गए थे। अपनी अकेले की फोटो डालकर ये साबित करना चाहते हो कि तुम ट्रैवल फ्रीक हो और इसीलिए ये चीप शो ऑफ कर रहे थे। कुत्ता बीमार हो गया तो वो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया ताकि लोगों की सिंपथी गेन कर सको। सारी फिल्म एक्ट्रेसेस की फोटो पर हमेशा कमेंट करते हो, उनकी अटेंशन के लिए मरे जा रहे हो। राधिका, ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी का मेन काम हैकिंग होता है ना? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, हम सिक्योरिटी के लूप होल्स चेक करते हैं और उसी हिसाब से हम सॉल्यूशंस देते हैं। ओ, इसमें कोई स्कोप है क्या? वो तो हो गई, यहाँ तो लोग अपना पासवर्ड भी ढंग से नहीं रख पाते। अंकल मैंने ऑनलाइन एक आर्टिकल पढ़ा था, आमतौर पर लोग अपना जो पासवर्ड रखते हैं, सुनने में थोड़ा कॉमेडी लगेगा, लेकिन बहुत से लोग अपना पासवर्ड उनका खुद का नाम रखते हैं, नहीं तो 1234, कुछ लोग तो पासवर्ड लिख देते हैं, कितने स्टूपिड है ना ये। अच्छा राधिका मैं क्या सोच रहा था, अगर लोग इतने ऑब्वियस पासवर्ड नहीं रखें तो तुम्हारे लिए हैकिंग करना मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे कि? जैसे मेरा एक पेट है, मैं उसका नाम रखूंगा, या फिर मैं अपनी गाड़ी का नंबर रखूंगा, या ग्रेजुएट हुआ वो साल, ये सब कोई भी आसानी से नहीं सोच सकता। वो क्या है ना, मैं इस मामले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहता हूँ। पढ़ाई कहाँ की है? एलएपी मेडिकल कॉलेज। ओह, तुम वहाँ विमला को जानते हो? शी इज 2012 पास आउट। विमला, मैं 2015 में पास हुआ, कुछ याद नहीं। ओके। मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अच्छा, उस डॉग के साथ तुम्हारी पिक्चर है। ओ, अच्छा। घर पर लैब्रा डॉग है मेरे। हमारे पास भी एक था, पोमेरेनियन है ना पापा, डुंडू नाम था उसका। ओ, अच्छा नाम है। तुम्हारे डॉग का क्या नाम है? माचो। माचो। हाउ स्वीट। माचो 2015 है ना तुम्हारा पासवर्ड? हैकिंग ना? नहीं, इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, किसी को मैनिपुलेट करके उससे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालना। जब तक ये ट्रिक चलते रहेंगे हमारी कंपनी रेलेवेंट रहेगी। बेटी तुम्हें कुछ काम था ना, तुम जा सकती हो। जाऊं क्या? हाँ। ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। फ्रिज के लिए टेक्नीशियन को बुलाया है, उसे जरा एड्रेस बता दे। हाँ, ओके पापा, ओके बाय। हाँ। तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा? देखो इस डॉक्यूमेंट का जो पासवर्ड है उसे चेंज करना पड़ेगा। वो स्लाइड 2 मिनट में शेयर कर रही हूँ, थोड़ी देर और। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, कर रही हूँ। विजय, सेंड कर दिया, चेक करो। हाँ हेलो, इस नंबर से कॉल आया था मुझे। हाँ मैडम, सर्विस सेंटर से बोल रहा हूँ, हमारा बंदा घूम रहा है पर आपका घर मिल नहीं रहा, बहुत देर से वो ढूंढ रहा है आपको। सॉरी मैं थोड़ा बिजी थी, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए। अब तो वो निकल गया होगा मैडम, उसने काफी देर वेट किया आपका। आप हाँ। नंबर ले लीजिए मैडम, 9745 4563 7152। मैडम हो सके तो अभी कॉल कर दीजिए। ओके थैंक यू, मैं कॉल करती हूँ। हाँ।
हेलो। हाँ हेलो भैया, आप निकले तो नहीं है? आप सर्विस के लिए आने वाले थे ना, वहाँ से बोल रहे हो? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए ना। आप वहाँ से निकल गए हैं क्या या अभी आ सकते हैं? तुम जहाँ भी बुलाओगी मैं आ जाऊँगा मैडम। ये सर्विस सेंटर का नंबर नहीं है? रात रानी को कैसी सर्विस चाहिए, मैं सब कर दूंगा। इडियट। रात रानी नंबर 8। ए बिजो इधर आ। हाँ आया भाई, एक मिनट। अब ये फंसी है जाल में। हाँ इन्हें भी एक दे दो। नहीं रहने दो सर, सुना कि नए सीआई सर ने चार्ज लिया है। हाँ तो क्या वो मेरे केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए एक मिसिंग केस है। हाँ जैसे ही कुछ पता चलता है आपको बता दिया जाएगा। अब तो 12-13 साल हो गए। देखिए आपको पसंद करता हूँ, इज्जत देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। हर महीने यहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा जवाब वही होगा जो पिछले महीने था। लेकिन सर अगर मैं सीआई सर से मिल पाता। सर वो फैक्ट्री के फुटेज मिल गए, बैकअप इसमें है। ठीक है मैं चेक करता हूँ। सर तो आज नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मिल लूंगा। हाय राधिका, हाउ आर यू? गुड सर, हाउ आर यू? अंदर आके बैठिए। नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी। मुझे बस एक मदद चाहिए। क्या बात है सर? वैसे बात कॉन्फिडेंशियल है। कई दिनों से केरला एल्युमिनियम लिमिटेड फैक्ट्री के सर्वर में अनयूजुअल एक्टिविटी चल रही है। ओके। किसी ने सर्वर को हैक करके कुछ सेंसिटिव डेटा चुरा लिया है। इसी बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फॉरेंसिक टीम मैनेज कर रही है, पर पता है ना थोड़ा टाइम लगेगा। हैक किए हुए सिस्टम में से लॉग और सीसीटीवी फुटेज इसमें है। ओके। सीसीटीवी में कोई अनयूजुअल आइटम नहीं मिला, पर तुम देख लो। श्योर सर, मैं बस आपको 2 दिन में बता दूंगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बालन सर कोर्ट में जाते हैं क्या? नहीं, रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बालन सर का आखिरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस मैंने ही हैंडल किया था, याद है ना? हाँ बताया था, बताया था। कहना मैंने याद किया। श्योर सर, ओके मैं छोड़ देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। ओके। एक तो इतनी सारी है क्या? ये तो कुछ भी नहीं। रात रानी, हाँ ये नंबर है, ट्रू कॉलर पे चेक करना। राधिका बालन। आवाज एकदम नमकीन थी। हाँ हाँ, अब इसको फेसबुक पर ढूंढते हैं। राधिका बालन ये रही। ये कहाँ की है? ये तो कोची से। फिर तो यही है। ये तो कमाल की लग रही है ना? इसको पटाएगा क्या? पटेगी क्या? हाँ कॉल कर उसको, सेट करने में पसीना निकल जाएगा। एक कर ना। उठाया नहीं क्या? शायद सो रही होगी। लगता तो नहीं है, जल्दी सोने वाली नहीं दिखती है। सही कहा, तो उसको वापस कॉल कर, ऐसे ही उसको सोने थोड़ी देंगे। कॉल कर। बेटी राधिका। तेरा फोन बज रहा है, देखना कौन है। नो नंबर है पापा। अरे फोन तो उठा, हो सकता है कुछ खास हो। हेलो रात रानी, सो रही है क्या? अब उनकी नींद उड़ा के खुद सो रही है। कमीना। कौन था? कोई मवाली था पापा। नंबर ब्लॉक कर दो उसका। लग नहीं रहा ना, ब्लॉक कर दिया होगा। कहानी यही खत्म। एक काम करता हूँ, अपुन इस नंबर को भी बदल देता है। तेरे नंबर बहुत ब्लॉक होते हैं ना? कितने नंबर चाहिए तेरे को बता? एक नंबर है ये। चल फिर दोबारा कॉल कर, कर कर अभी। सर हमें और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। अशरफ बैठ जा। अशरफ इस केस को हैंडल कर रहा है। Okay. अशरफ ये है राधिका। जानता हूँ सर, आपने बताया। हाँ, था राधिका के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कैन यू? या श्योर सर,
सर ने जो मुझे सीसीटीवी फुटेज दिया उसकी डिटेल्स मैंने एग्जामिन की और मुझे उसमें कुछ अजीब लगा। इस फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं कुछ समझा नहीं। आप तो जानते ही होंगे ये सीसीटीवी फुटेज स्टोर होते हैं 8 मिनट के शॉर्ट क्लिप्स में। अगर आप यहाँ देखें तो ये क्लिप है 3:02 से लेकर 3:10 तक की। अगर हम इस एंगल से इसे जूम करते हैं तो आपको वहाँ वो पाइप दिख रहा है, उस पाइप से पानी नीचे नहीं गिर रहा। तो फिर पानी उल्टा उस पाइप में जा रहा है। किसी ने ओरिजिनल क्लिपिंग को निकाल कर उसी की उल्टी चलने वाली क्लिपिंग से रिप्लेस कर दिया है ताकि टाइमिंग में डिफरेंस दिखाई ना दे, और इसीलिए असली और बदली हुई क्लिपिंग्स में सिमिलैरिटीज दिखाने के लिए इसी क्लिप को रिवर्स करके प्लेस कर दिया है। ओके। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि पाइप से निकलने वाला पानी उल्टा पाइप में जा रहा है। इसका मतलब समझाएंगे? हाँ, तो हो सकता है कि कुछ छुपाया जा रहा हो और इसी समय के बीच वहाँ कुछ हुआ हो। सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर किसी ने बदला है क्योंकि सेम टाइम पर बाकी सीसीटीवी फुटेज में भी यही फॉर्जरी की गई है। मतलब किसी ने उसी वक्त सर्वर रूम को एक्सेस किया था, छुपाने के लिए बहुत मेहनत की। एक काम करो, उस वक्त जो भी बाहर से फैक्ट्री में आया था उसकी कंप्लीट लिस्ट निकालो। सर, मुझे लगता है कोई अंदर का ही आदमी है, बाहर से कोई आया ही नहीं होगा। फैक्ट्री, उसका सर्वर रूम कहाँ पर है, ये सब वो अच्छे से जानता है। ये प्रोफेशनल हैकर का काम नहीं है राधिका, तुम ये कैसे कह सकती हो? मैं भी फैक्ट्री के किसी आदमी ने उसकी हेल्प की होगी उसे एक्सेस दिलाने के लिए। सर, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है। He has not covered his tracks. अगर किसी प्रोफेशनल हैकर ने सिस्टम एक्सेस किया होता तो उसके डिजिटल फुटप्रिंट का पता लगाना लगभग नामुमकिन होता। पर यहाँ पर डेटा अपलोड करने के लिए उसने क्लाउड सर्वर का यूज किया है, जैसे नौसिखिए पायरेटेड मूवीज को लोकल सर्वर पर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एक प्रोफेशनल ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। फिर इस क्लाउड सर्वर को एक्सेस करने वाला उसका आईपी एड्रेस, उसे भी उसने मास्क नहीं किया, सभी इंटरनल आईपी एड्रेस है। ये प्रोफेशनल का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। सर, अगर आप ये कहकर कि ये इनसाइडर जॉब है और 3-4 लोगों को स्टेटमेंट के लिए बुलाएंगे तो हो सकता है कि वो पैनिक हो जाए क्योंकि वो प्रोफेशनल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इस तरह उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। क्या तुम पुलिस में काम करोगी? सर, मतलब ये तुम्हारा दिमाग अगर क्रिमिनल बन जाए तो हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे। पापा कहते हैं कि मुझे दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं है और सबको शक की नजर से देखती हूँ। शायद मेरा काम ही ऐसा है इसलिए, लेकिन ऐसे वक्त में यही नजर काम आती है। एनीवेज, थैंक यू सो मच राधिका। वैसे अशरफ शायद तुम्हें थोड़ा सा और परेशान करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम सर, मैं अभी चलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हेलो राधारानी, राधिका, इतनी देर काहे को लगाई फोन उठाने में? Who is this? आइला, हे, इंग्लिश। तेरी इंग्लिश भी मस्त है, लगा रहे। अपन तो बस ऐसे ही प्यार से बात करने के लिए फोन किया था। ए, कौन है तू? पहचाना नहीं क्या? कितनी देर से तू परेशान करे जा रहा है? फिर से कॉल किया ना, फिर बताती हूँ कौन हूँ मैं, समझा क्या? फोन रख। क्या बोल रहे लिए दिखाएगी? बोलो यहाँ के दिखा, मुझे भी देखना उसको। सच में क्या? फिर तो अपन तो डर गया। हाँ, तू डरेगा ना, जब पुलिस घर आएगी तब तू डरेगा, समझा इडियट? अरे रुक 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 रुक, राता नहीं। देख फूल्स, फिर से लगाता है। ये नंबर भी ब्लॉक कर दिया चुड़ैल कहेंगी। अभी दिखाता है इसको, बढ़िया ये पुलिस को बुलाएगी। ए, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, फालतू के लफड़े नहीं चाहिए हाँ मेरे को। नहीं भाई, अपुन तो बस कालिया आया है क्या? नहीं अभी नहीं, आधे घंटे में काम खत्म करके आ जाएंगे। ला चाबी दे। दिखने में तो ओके है, पर हमें प्रोडक्ट के अपडेट्स को जल्दी रोल आउट करना है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में है, डॉक्यूमेंटेशंस बस बाकी हैं। मुझे ये बताओ, ये ठीक दिख रहा है ना? ठीक ही दिख रहा है। अच्छे से देख लो। इसमें क्या हुआ? बॉन्ड। कौन है ये?
गुड मॉर्निंग सर। राधिका आ जाओ। बालन सर आइए प्लीज बैठिए। आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक हूँ। उस लड़के को पकड़ लिया हमने, किल्ली भी जो नाम है उसका, चोरी चकारी के छोटे मोटे केसेस है उस पर। रिटन कंप्लेंट लाई हूँ, आप FIR फाइल कर देंगे? आप तो जानते ही हैं, राधिका को भी बता दें ऐसे केस के कॉम्प्लिकेशंस। देखो राधिका, उसे कोर्ट में किसी तरह की शिक्षा मिलेगी ये जरूरी नहीं है। मैसेज भेजने के समय फोन उसी के पास था, ये प्रूव नहीं कर सकते हम लोग, केस आगे बढ़ ही नहीं सकता, सर तो जानते ही हैं। IT सेक्शन 67A ट्रांसमिशन ऑफ पॉन के तहत बेल के बिना उसे 3 महीने की सजा हो सकती है, मेरे लिए इतना काफी है। ये लोग सीजन क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है और हम उनकी तरह नहीं हैं। इसीलिए जो भी कुछ करना है उसके पहले अच्छी तरह से सोच लो, उन्हें यहाँ लाके हम अपनी तरीके से समझा देंगे, तुम्हें वो दोबारा ऐसे मैसेजेस वापस नहीं भेजेंगे। अगर आज मैंने जाने दिया तो वो कल किसी और को मैसेजेस करेगा, ये साइबर लॉ जानने वाली मैं अगर कोर्ट में नहीं लड़ सकती तो साधारण लड़की कैसे करेगी ये सर। 100% की एक बात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कानून व्यवस्था के भी कुछ दायरे हैं। सर आप भी जानते हैं कि उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने मेरी प्राइवेसी में इंट्रूड किया और मुझे मैसेजेस किए हैं, रात हो या आधी रात मुझे परेशान किया है, इट्स एन एक्ट ऑफ वायलेंस, आप इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। एज अ फ्रेंड जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स, केस आगे बढ़ा के कोर्ट में जाना है तब भी तुम्हारे साथ हूँ मैं, एज अ पुलिस ऑफिसर यू हैव ऑल माई सपोर्ट। ओके सर, उन्हें अंदर लेकर आऊं? नहीं नहीं, उनको बोलो कि बाहर रुके, हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट दो मैं भी बुलाता हूँ। जी सर। तो तुमने क्या सोचा? सर मुझे सुनो लगता बेटा, चार्ल्स सर जो कह रहे हैं उसे मान लेते हैं। पापा देखो, इस तरह के केस में कोर्ट की वाद विवाद में लड़कियों को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, कोर्ट में ऐसे ऐसे सवाल होंगे जो बर्दाश्त नहीं होंगे, और फिर ऐसे मवालियों को तुम जेल में भेज भी दोगी तो भी इनकी मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। ये तो मुझे भी पता है पापा, पर मन की शांति के लिए मुझे ये करना है। चार्ल्स सर जो आपको सही लगता है वो कीजिए। कैन आई? उनको अंदर भेजो। ये अंदर आ रहे। किल्ली बिज्जू, नाम तो बढ़िया है, किसने रखा? मालूम नहीं सर। हाँ मालूम नहीं सर। सीधा खड़ा रहे, क्या काम करता है? वो भंगार का धंधा है सर। इस लड़की को तूने मैसेज भेजा था कि नहीं? सर पिछले हफ्ते ही फोन चोरी हो गया था, पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है। कितने नंबर है तेरे पास? सर चोरी हुआ फोन डबल सिम वाला है, 2 नंबर है सर। एक नंबर दुकान के वास्ते था। अशरफ सर एकदम अच्छे से तैयार होके आए हैं, बहुत होशियार बंदे हैं सर। दूसरे को भेजो। सर ये लोग हमेशा साथ में रहते हैं। नाम क्या तेरा? अजित नाम है। अंगार अजित, सब इसी नाम से पहचानते सर। ओहो, तो वो तू है, इसको कैसे जानता है? अपने दुकान पे काम करता है। तू भी मैसेज के धंधे में है क्या? सर अपने पास तो व्हाट्सएप भी नहीं है, सादा फोन है। क्या? सादा फोन है। अच्छा बिजू सर, तेरा फोन तो खो गया जी। अब वो फोन अपने आप किसी को गंदे मैसेजेस भेज रहा है, सही क्या ना? सर जानबूझ के कोई मुझे कोई फंसा रहा है सर। सर किसी और से ये मैसेज भिजवा के हमको फंसाने की कोशिश कर रही होगी। सर इन क्रिमिनल से बात करने का कोई फायदा नहीं, आप प्लीज इन पर FIR फाइल कीजिए। हमको क्रिमिनल बोलने वाली ये कौन होती है? दांत क्या निकाल रहा है? दांत क्या दिखा रहा है? भाई को मार रहे हो, पुलिस को क्या बेवकूफ समझता है तू? सच बोल रहा है सर। सच बोल रहा है। बाहर लेके जाओ, इनके अकड़ में निकालता हूँ। सर लड़की लगे शॉप बाहर निकला। आपने बोला ना इसने कुछ नहीं किया। ठीक है सर जाओ। तू घूर क्या रहा है बे? ठीक से खड़ा रहे। ओ डर लग रहा है क्या? तू ज्यादातर अरे रे पंचर हो गई बेचारी। मैडम ये पंचर ठीक कर देगा।
बुलाओगी क्या? इसको अच्छे से आता है। आ जाए क्या? कितना हुआ? 110। अजीत चिड़िया आ गई। मैडम, ए मैडम, अरे एक नजर देख तो ले, देखना देखना, ए रात रानी, एक नजर देख तो सही, अच्छे से पानी देना, हरे भरे रहने चाहिए। दीदी कहाँ जा रही हो? दीदी, अरे धीरे धीरे, दीदी करेगी क्या? चल चल भाई चल, जा जाके कर दे। हाँ, कितना हुआ? 345 मैम। हाँ सर, मैडम का बिलिंग अभी बाकी है। अगर मैडम को पसंद है तो मैडम भी ले सकती है। मैंने पे कर दिया। हाँ मैडम। हेलो पापा। हाँ बेटा। हाँ मैं आ गया हूँ। हाँ बस दो मिनट में आती हूँ। ओके, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। हाँ हाँ ओके पापा। अरे अरे आप कौन है? हाँ? आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, ये मेरी कार है। क्या भोले बन रहे हो, आप ही ने तो बुलाया था मुझे। मैंने बुलाया था? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। आप गलत गाड़ी में बैठ गई हैं, बाहर निकलिए। ऐसे मत बनो जैसे कुछ जानते ही नहीं। देखो तुमने बुलाया इसीलिए मैं आई हूँ। देखो मुझे बहस नहीं करनी है, बाहर जाओ। ऐसा क्या कर रहे हो सर? अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई, बाहर निकलो। मुंह संभाल के बात करने का। मैं कह रहा हूँ गाड़ी से उतरने के लिए। क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ? क्यों ये अड़ा बना रहा है मुझे यहाँ बुलाकर? किसने बुलाया तुझे? तूने ही बुलाया है और किसने बुलाया है? बालन सर। हाँ इधर किधर? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। अच्छा हाँ, तो ये उसकी माँ है क्या? अरे सुनो, तुम गाड़ी से नीचे उतरो। लोग जमा हो रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी से निकलते हैं। ओए ओए, आंटी को बहुत जल्दी है लगता है। हाँ कहा ना गाड़ी से नीचे उतरो। मैंने बोला ना गाड़ी स्टार्ट करो। बालन सर को पहचानता है ना? मैं तो बालन सर को भी जानता हूँ और आंटी को भी जानता हूँ। अरे पर मैं इस औरत को नहीं जानता भाई। सर तो आंटी को नहीं जानते पर आंटी सर को जानती है। अरे पिछले हफ्ते कोई इसको माँ बोल के यहाँ से ले गया था। लेकिन ये सर की माँ तो नहीं लगती। अरे तो आम बात है इधर। भाई लोग आओ ना यहाँ, देखो देखो अपनी गली में चल के आ रहा है। देखो आ जाओ आ जाओ, देखो ना क्या चल रहा है यहाँ पे। सबको बुला, पैसा तो कुछ भी करेंगे क्या? बहुत ही टेंशन में दिख रहे हैं लोग, जमा हो रहे हैं। देखो देखो क्या चल रहा है, पूरा क्लोज शॉट ले लो। देखो सर मैं बोल रही हूँ, चलो ना जल्दी। क्या कर रहे हैं? दीदी को देखो कितनी खुश है। वो देखो वो वहाँ पे, अच्छे से निकालना। सर क्या हो गया सर? अरे सर चलो ना। अरे आ जाओ जगह दो भाई, सर की बेटी आ गई। बेटी आने दो आने दो। हाँ ये देखो देखो अपने बाप की हरकत। बाहर निकल, बोला ना बाहर निकल। अरे बाहर आ देखो, गुस्सा आ गया। खोटी कर रही है क्या मैडम? निकलती कि नहीं बुलवाएंगी क्या? बाहर आ, मैं हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? बड़ी बात हो रही है, बाहर निकल कर दे। अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? तेरी उम्र में बॉयफ्रेंड बना। पापा कार स्टार्ट कीजिए। रत्नानी सर के बहुत सारे फोटो और वीडियोस हैं हमारे पास, तेरे मन की शांति के लिए ना अपन मैसेज करता है। ए जॉन, अगली बार केस करने जाओगी ना तब सर की हरकतों का भी अच्छे से केस कर देना। बालन सर आपको तो याद होगा मैंने पिछली बार क्या बोला था, प्रार्थना करना कि दोबारा मुलाकात ना हो। अब हो गई ना, वो अभी तुम्हारी बेटी की वजह से। अभी आप ही बताओ ना उसको कि हम लोग कैसे लोग हैं, पिछली बार की तरह नहीं। अब इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। हैं? हैं? चलो निकलो, जाने दो गाड़ी। पापा? जाने दो।
चलो निकलो। चलिए निकलिए यहाँ से। ए, चलो रे शांत हो जाओ। अरे धक्का दे रे, धक्का दे। जाओ सर जाओ। अरे सोच क्या रहे हो, जाओ ना। शांत हो जाओ भाई, इससे पाला नहीं है। सर धक्का दूं क्या? चलिए निकलिए यहाँ से। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्या? हाथ लगा, चल चल। हाँ चल रे, निकल। अब मैं सोने जा रहा हूं बेटी। सुनो ना, चार्ल्स से जब तू बात कर रही थी तो मैंने सुना था, आज के बाद हम उन्हें प्रोवोक नहीं करेंगे। पापा आप सच में ये चाहते हैं? पर आप उन लोगों को जानते कैसे हैं? इस अजीत को चाकू घोंपने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा था, सारे सबूत उसके खिलाफ थे और उसे 3 साल की सजा हो गई थी, लेकिन उसको पॉलिटिकल सपोर्ट होने की वजह से वो वक्त से पहले ही जेल से बाहर आ गया। उससे जरा संभल के रहना। तो आप क्या चाहते हैं, हम इन क्रिमिनल से डरकर चुपचाप बैठ जाएं? हाँ बेटी, अब तेरे पापा बुजुर्ग हो गए हैं, तेरी जिंदगी के साथ रिस्क लेना मेरे बस की बात नहीं। पापा, अब तू मुझे कायर समझे या निकम्मा समझे बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं किसी भी हाल में अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। बेटी मुझे तेरा ही सहारा है, अनहोनी का मुझे डर लगता है। चलो तो मैं घर छोड़ देता हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है? मुझे उन लोगों का फोन हैक करना है। किसका? उन मवालियों का? तुम्हें हो क्या गया है? छोड़ो ये सब, उनका फोन हैक करके हमें क्या मिलने वाला है? उनकी जिंदगी बर्बाद करनी है। I want to kill their privacy. कुछ दिन पहले तुम ही कह रही थी कि लोगों की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। क्या तुमने एडियाना कुक का नाम सुना है? वो दुनिया की बेस्ट फीमेल हैकर्स में से एक है। पहले वो एक मॉडल थी। एक दिन ऐसे ही ब्राउज करते वक्त शी फाउंड हर न्यूड पिक्चर्स मॉफ्ड फंड्स। गुस्से में आके उसने वेबसाइट को हैक किया और कंटेंट को डिलीट करके वेबसाइट बंद कर दी। अब वो ऐसे ही विक्टिम्स की मदद करती है। द हैकर फेरी, लोग अब उसको इस नाम से जानते हैं। अगर आज मैंने उन मवालियों को छोड़ दिया तो वो कल किसी और के साथ ऐसा करेंगे। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, प्लीज समझो विजय। अब मैं क्या कहूं? मुझे बस हां सुनना है। मैं ऐसा कोई ट्रैक नहीं छोड़ूंगी जिसे हम पकड़े जाएं। तुम जानते हो, तुम उनके फोन कैसे एक्सेस करोगी?
व्हाट्स योर प्लान? जिसकी प्राइवेसी ब्रीच हुई हो हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हमें उनकी तरह सोचना होगा। सही कहा, हमें बिल्कुल वैसा ही करना है। हम उनकी तरह सोचेंगे और हम वही करेंगे जो वो करते हैं। कौन है रे? पता नहीं कौन सी फिल्म भेजी है। कौन है? ये तो बाहर का नंबर लगता है यार। हाँ, तूने अपनी ठरक मिटाने के लिए किसी साइट पर नंबर दिया होगा, और क्या? वैसे एकदम कड़क है। ये बात है, जरा मुझे भेज। जानेमन, तुझे भी चाहिए क्या? चाहिए क्या? अरे देख तो, जानेमन के गाल लाल हो गए। जल्दी भेज, जल्दी भेज। अरे भेज भेज, जल्दी भेज। तुम दोनों के नंबर पे भेजा है, मिला क्या? देख तो। आज रात को 8:30 की शारजा फ्लाइट से कोलगेट अपना आदमी लेके आ रहा है, उसको लेने जाना। ठीक है, अपुन जाएगा उसको लाने के लिए। आज रात को 8:30 की शारजा फ्लाइट से कोलगेट अपना आदमी लेके आ रहा है, उसको लेने जाना। ठीक है, अपुन जाएगा उसको लाने के लिए। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। हेलो सर। हाँ सर, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ, बोलो ना। सर, आज रात 8:30 की शारजा फ्लाइट से कोई ड्रग्स या कुछ ऐसा ही सामान लेकर आने वाला है। अच्छा, कौन है सोर्स? सॉरी सर, मैं वो सब तो नहीं बता सकती, पर मैं आपको फ्लाइट डिटेल्स भेज रही हूँ, आप देख लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। है क्या? चेकिंग में तो हमें कुछ नहीं मिला। ओके सर, एक मिनट में चेक करती हूँ। हाँ, जल्दी करो प्लीज। हाँ। ड्रग्स नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? गोल्ड होगा, लेकिन वेस्ट में? मैंने व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी है। हाँ। किसी ने ऐसी शर्ट पहनी है या कोई आदमी इसके जैसा है तो उसे चेक कीजिए। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। सुनिए सर, हो सकता है वो गोल्ड हो ड्रग्स की जगह। लेट मी चेक।
चेक हिम। सर हेलो बिजू, कुछ पंगा हो गया वहां पे, निकल वहां से। ठीक है निकलता है अपन। हेलो सर। राधिका तुम बिल्कुल सही थी। वी गॉट हिम, थैंक यू। यस। अच्छा, किसी का फोन हैक करके तुम्हें क्या पता चलता है? सब कुछ। उसके फोन की कंप्लीट डिटेल्स, उसको किसने कॉल किया, उसकी कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सभी ऐप्स की, उसकी विजिटिंग वेबसाइट, उसके गैलरी की कंप्लीट फोटोज, वो कहाँ है, उसकी लोकेशंस। यहाँ बैठे बैठे मैं उसका कैमरा भी चला सकती हूँ। अगर उसने अपना सिम बदल भी दिया ना, तब भी मैं उसके फोन को एक्सेस कर सकती हूँ। सेक्शन 43 एंड 66, हैकिंग एंड डेटा थेफ्ट, 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। पापा, ये क्रिमिनल्स जब हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करेंगे ना, तब कोई न्याय हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बेटी, अगर कोई गलत करता है तो तू भी गलत करेगी। वो बहुत बड़े स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा है, हम इतने बड़े क्राइम को सामने ला सकते हैं। तो फिर इसके बारे में तू चार्ल्स को बताती क्यों नहीं? अभी वो समय नहीं आया है पापा। वो बहुत बड़े रैकेट के एक छोटे से प्यादे हैं, जस्ट कैरियर्स। वो एयरपोर्ट से उसे कलेक्ट करके कहीं और जाकर दूसरे कैरियर को देते हैं। अल्टीमेटली उन्हें भी पता नहीं होता कि वो कहां जा रहे हैं। केस को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें और सबूत की जरूरत है। पापा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। उनका फोन हैक्ड है, उन्हें ये कभी पता नहीं चलेगा। मान लीजिए उन्हें पता चल भी गया तो वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इंटेंशन और पर्पस हमेशा अच्छा होना चाहिए, ना कि गुस्सा या फिर प्रतिशोध। अरे नहीं सर, या नहीं, यहाँ से तो कोई नहीं बताएगा, यहाँ सबके सब अपने ही छोकरे हैं। हाँ ठीक है सर, लेकिन उनको बोल दे मैं पता लगा रहा हूँ। हाँ मैं बोल दूंगा सर, हम भी अपनी तरफ से देख रहे हैं। पैसे मेरे डूबे हैं, मैं देख लूंगा। हेलो हेलो, छे अरे यार, ये जॉर्ज सर बहुत गर्म हो रहे थे। उस ठग को लगता है सब हमने किया है। ऐसा नहीं है रे, उसकी तो सनकेगी ना, उसके लाखों रुपए डूब गए हैं। उसके वास्ते बीच रोड पे किसी को टपका डाला, फिर भी उसको विश्वास नहीं है क्या? ए, चुप रह, दिमाग खराब है तेरा? हाँ, ये जो तू बड़ी बड़ी बातें करता है ना, सब उसी की वजह से हुआ। अपना मुंह बंद रख, इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। तेरे को भी बोल रहा हूँ, वो जो संतोष था ना, अपनी अकड़ की वजह से मरा, उसे सब अकेले ही खाना था। जिस वजह से वो मरा ना, उस वजह से मेरे साथ साथ सब मर सकते हैं, समझे तुम लोग? समझे कि नहीं? हाँ, मेरी ये बात याद रखना। सुनो, हाँ। हमारी वो बल्क एसएमएस वाली सर्विस अभी भी एक्टिव है? हाँ है। मेरे लिए एक सेट करो ना। किस लिए? थोड़ी देर के लिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है। देखो, इसको आमतौर पर मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए यूज करते हैं। पर हम तो आम नहीं हैं। मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ। एक बार में कितने भेज सकते हैं? लगभग 2 लाख लोगों को। किन लोगों को? सिटी, एज, जेंडर, इनके हिसाब से जो भी लोग डेटाबेस में हैं। ये डेटाबेस लीगल नहीं है ना? सवाल ही नहीं उठता। परफेक्ट, जरा चेक तो करो। मेल,
17255 कोची कितने हुए ये है 190,000 लोग भेज दो हा? पर इसमें टाइप क्या करना है इधर दो हा? दो बढ़िया है ना क्या कर रहा है इसके लिए ईयरफोन ऑर्डर कर रहा हूँ जो इसके पास है बाबा आदम के जमाने का है इसको सच में खरीदना है क्या हाँ ये तू चुप करना इतने दिन बाद तो जाके ये ब्लूटूथ लेने को तैयार हुआ है अब लेने दे लगा रहे तू कितना कंजूस है बे पिछली बार मिले पैसे को अभी तक हाथ नहीं लगाया है आप उन लोगों का तो खत्म भी हो गया हाँ ये अच्छा लग रहा है एक नंबर आइटम है ये ऑर्डर करते हैं हाँ ठीक है तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना हाँ ये हाँ। चलेगा आप उनकी जाने मन के लिए मस्त है ये सामान लेके आया हूँ अरे खुश हो जा जाने मन खुश हो जा ले ऑर्डर कर दिया है अब तू खुश ना जॉर्ज बुश बन जा बस अरे अभी कौन कॉल कर रहा है कौन भौंक रहा है बे आओ क्या दिखाऊं तेरे को अभी खाली बिली सुबह से कौन सता रहा है पता नहीं कोई लड़की है क्या पूछ रहा है बोल रहा था कि कोई एसएमएस आया था मैं पहले ही बोला था इसने जरूर किसी गंदे साइट पे अपना नंबर दिया होगा ऐसे कॉल तो आएंगे ही ना अरे अपन किसी को नंबर नहीं दिया रे जब तेरा मूड बना होगा तब थोड़ी ना सोचा होगा मैं फोन चार्जिंग पे लगा रहा हूं मेरे को भी डालना अरे अपुन अभी तो लगाया था अरे गर्मी मत दिखा सिर्फ 10 मिनट की बात है अभी इतनी रात को कौन कॉल करेगा आपको तेरी माँ ने अगर कॉल किया तो अपुन की माँ का ख्याल रखने के लिए है अपुन का बाप तेरी बीवी की तरह नहीं जो पता नहीं किसके साथ भाग गई भेजो अपुन की माँ को बीच में क्यों लाया ये अभी बस कर इसको इतना बुरा काहे को लग रहा है वो तो खुश है मुंबई में किसी के साथ मस्त जी रही है तेरे को क्या तकलीफ है बोलना क्या तकलीफ है बोल एक बार फिर से बोल मेरी बीवी के बारे में फिर से बोल बोल ना आप मत लगा मेरे को मेरे पे हाथ उठाता है तू छोडूंगा नहीं तुझे नहीं छोडूंगा अरे चल मार ना हाथ मार के दिखा छोडूंगा नहीं बहुत देखे तेरे जैसा समझ गया बीवी के बारे में बात करता है इसकी इतनी हिम्मत अबे चल तेरे को बोला दूर रह इनसे आप लोग यहाँ पर क्यों आए पता है ना कल एक माल आने वाला है इधर और इस बार सही जगह पर पहुंचा ये हमारी जिम्मेदारी है पागल की तरह झगड़ा कर रहे हो मरने तक यही करना है क्या येड़े लोग हेलो सर हाँ राधिका बोलो ना एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मत मेरा नंबर है हाँ? ये नया नंबर क्यों लिया किसी काम से लिया था देख रही थी चल रहा है कि नहीं ऐसा कौन सा काम हेलो हाँ कौन बोल रहा है हेलो उसका फोन हीच नहीं लग रहा है शायद काम में लगा होगा फ्री होके फोन करेगा ए बिजो उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज उसको पूछ सामान कहाँ भेजने का
भाई सामान रेडी है, कहाँ भेजने का है? स्पॉट पे लेकर आना कंपनी के पीछे, और ध्यान रहे सब जगह पर पुलिस है। विजय ये सीवी, तुम जो कॉलेज में मोनो एक्ट और मिमिक्री करते थे अभी भी करते हो? बोलो अब... चलो फिर आओ। ये सेफ तो है ना? हाँ सेफ है। पक्का? हाँ ठीक है, दुलाने को किसका कॉल? नमस्कार। हेलो राजन जी बोल रहे हैं? हाँ बोलो। मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। अरे भैया हमने सबको बोला है, आपको भी बताते हैं कि स्मगलिंग करना एक कानूनन जुर्म है। जी 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 नहीं करूँगा सर, बिल्कुल नहीं करूँगा। अरे भैया स्वस्थ रहना है तो घर में रहिए। शेख बच्चन साहब का फोन था, उन्हें पता चल गया। अमिताभ बच्चन का? हाँ मैंने कहा था ना कि किसी को भी बताना चले। शेख मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। अच्छा तुम लोग एक काम करो, इसे वापस ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ इसे। Great performance. Thank you. बढ़िया, thank you. मैं दिलीप कुमार भी कर सकता हूँ? नहीं अभी नहीं, जरूरत पड़ने पर। मिथुन दादा की भी नहीं? जरूरत पड़ेगी तो बताती हूँ। हेलो। हाँ बोल। हाँ भाई अपुन पहुँच गया, शुरू नहीं किया है। भाई दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है, अपुन एक मिनट में कॉल करते हैं। हेलो अबे फोन रख थरकी, तुम मिल अपुन को फिर तुझे दिखाएगा क्या चीज है अपुन, तब मैं तो सामने आके बोलना। दुनिया में सब इतने ठरकी लोग हैं क्या? फालतू में आधी रात को परेशान करते हैं इनको तो मैं। ये नंबर मुझे सेव करना है? नहीं मैं सेव करूंगी। रात रानी। हाँ? क्या कहा रात रानी? कैसा लगा रात रानी? अब होगी उसकी रात काली। मतलब का लफड़ा। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है पता तुम्हें? नहीं सर वो कुछ मत समझा मुझे। सर एक बार और मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। जॉर्ज सर आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। क्या बात बताना चाहते हो तुम? उन लोगों को बोलो ज्यादा नजर में ना आए। ये संतोष के केस में पुलिस पागलों की तरह पीछे बड़ी है, छुप जाओ समझे। सर फोन अजीत मांग रहा है, दूं क्या उसे? मत दो कह रहा हूँ ना, वो क्या बोलेगा? मैं ऐसे मवालियों के मुंह नहीं लगता। पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो छुड़ाने के लिए मुझे कॉल नहीं करना ओके? तुम लोगों की बेवकूफी का हर्जाना मैं कब तक भरूंगा? मेरे पास ना इतना पैसा है ना इतना टाइम है। माल कब आने वाला है ये तुम लोगों के अलावा और किसी को पता नहीं था। मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है, बता देना ऐसा बोला मैंने। अजीत जाने दे उसे। कालिया इसको चुप कराना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमको संतोष के केस में फंसा डालेगा। अजीत ऐसी बात नहीं है, उसने गुस्से में ये सब कुछ बोला और कुछ नहीं, ज्यादा मत सोच। हेलो अजीत, ये संतोष धोखेबाज है, मेरे खिलाफ जाएगा। अब उसकी अपने को जरूरत नहीं है, उसके खाते को हमेशा के लिए बंद कर दूं। आई बात समझ में? ए बिजो, हाँ? इस रिकॉर्डिंग को उस शाने को व्हाट्सएप कर दे, हम पर उंगली उठाने से पहले कम से कम वो दो बार सोचेगा। अजीत मामला बिगड़ जाएगा, अब जाने भी दे यार, क्यों आंख से खेल रहा है? ए बिजो, हाँ? उस दिनों ज्वेलरी के पास अपने को कैश देने वाले का फोटो है ना? है ना, वो भी भेज दे। ए बिजू राधिका, तुम इन कन्फेशंस की सीरियसनेस समझ रही हो ना? इस हरकत के लिए तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ, पता है ना तुम्हें? सर अगर आप इन एविडेंस के साथ उन क्रिमिनल्स को लंबे समय तक के लिए अंदर डाल सकते हैं तो ठीक है, मैं खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। सर आप तो जानते ही हैं उस टैक्सी ड्राइवर संतोष की हत्याकांड के लिए पुलिस कब से सुराग ढूंढ रही थी। पैलेस ज्वेलरी का ओनर जॉर्ज, उसने सुपारी देकर उसका खून करवाया है।
तुम समझो राधिका मैं क्या कह रहा हूँ। सर, जिन गुनाहगारों ने मेरी प्राइवेसी को तहस नहस कर दिया उनको माफ कर दूं इतना बड़ा दिल नहीं है। वो अब आगे से कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करें, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सर उसने जितनी भी लड़कियों को मैसेज भेजा है, वीडियोस भेजा है, जो भी हो, लैपटॉप को सरेंडर कर दो और तुम बाहर रुको, मैं देख के बताता हूँ क्या करना है। ओके आता हूँ। हाँ ठीक है। अजीत, 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 तुझे पता भी है हम लोगों के खिलाफ ये सब कौन कर रहा है? ये सब वही कर रही है। अजीत, तू चुप क्यों है? हमें इधर से निकलना पड़ेगा। औरत कुछ भी कर सकती है, वो एक कीड़ा है, कीड़ा, वो हमें बर्बाद कर सकती है। फिर तो इस कीड़े को खत्म किए बिना हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। हेलो बेटा। हेलो पापा, आप कहाँ तक पहुँचे? मैं लिंक रोड पर हूँ, बस 15 मिनट में आ जाऊँगा। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, मैं चाबी लेकर आया हूँ। चिंता मत करना, मैं आ जाऊँगा। जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन भेज दो। अशरफ जी सर, सिटी लिमिट में सभी ऑटो स्टैंड पर डायरेक्ट जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। जिस पर भी शक हो डायरेक्ट पूछताछ करो। हमने उनके सभी ठिकानों को देख लिया है सर।
उनकी भंगार की दुकान भी दोपहर से बंद है। आखिरी बार कालिया के ऑटो में किसी ने उन्हें जाते हुए देखा था। ये बालन सर के स्पॉट पे कौन गया है? मनोज वहाँ पहुँच गया सर। उस जगह पर कोई घर नहीं है, रोड के दोनों तरफ बस झाड़ियाँ हैं। हमारी वहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है सर। ओके। बालन सर। हाँ बालन सर आइए ना। कुछ पता चला? सिटी में सभी जगह पेट्रोलिंग चल रही है सर, हम उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे सर। सर कुछ कहना है? बोलो। सर राधिका का मोबाइल जहां पर स्विच ऑफ हुआ था वो लोकेशन और सर ने बताया स्पॉट आसपास है। हेलो बेटा। हेलो पापा, कहां तक पहुंचे? मैं लिंक रोड पर हूं, बस 15 मिनट में आ जाऊंगा। चल लेके आते हैं, चल। सर हमें उन सबके फोन की लोकेशन सेम टावर से मिल रही है सर, उन्होंने अपना फोन वहीं छोड़ दिया है शायद। ऑटो में ये लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जी जी। जिले के बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। अशरफ पेट्रोलिंग यूनिट के साथ कंटिन्यूअस टच में रहो। ओके सर। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले उसे तुरंत वेरीफाई करो। उन लोगों के फोटो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया ना? जी सर। राधिका का लैपटॉप यहाँ है, उसे डिटेल में चेक करो। ओके सर। शायद हमें उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैंने विजय को भी यहाँ बुलाया है। विजय? दरअसल विजय राधिका की कंपनी का पार्टनर है। हाँ वो सही रहेगा, भाग तो वो गए हैं पर ज्यादा दूर तक नहीं। ऑल स्टेशन ऑल मोबाइल्स ऑल हाईवे पेट्रोल कंट्रोल आंसरिंग, ध्यान दें जितने भी ड्यूटी पर हैं उनके मोबाइल फोन पर 4 संदिग्ध व्यक्तियों के फोटोज व्हाट्सएप पर भेजे हैं। इन चारों को साथ में कालिया नाम के ऑटो ड्राइवर के साथ ऑटो में देखा गया है। व्हीकल नंबर KL40R4977। एक बार फिर से दोहराता हूँ, KL40R4977। किसी भी संदेहजनक गाड़ी को जो इस जिले की हो उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली जाए, जैसे ही खबर मिलती है वैसे ही तुरंत कंट्रोल रूम में बताएं। ओवर। सांस ले रही क्या? देख रहा था कहीं मुंह से सांस देने की जरूरत ना पड़ जाए। अगर देनी पड़े तो देना। कहां पहुंचे? पता नहीं कहां है। अजीत क्या हुआ? बाप बेटी दोनों को मार देना चाहिए था। तू शांत रहे यार। इसको यही मार दूं तो? तू उसको इतनी आसान मौत देगा क्या अजीत? याद है मैंने क्या बोला था? मैं उसे देख लूंगा, बस मुथू को आने दे। पुलिस हर जगह पे है, जल्द से जल्द जितना सोना अपने पास है उसे लेके जैसा हमने तय किया था
हम पांचों पांच अलग अलग जगह पे चले जाएंगे। आगे का काम जॉर्ज देख लेगा। हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। सैमी इधर आ, दरवाजा बंद कर। इस फोन में मैंने सिर्फ तेरा नया नंबर डाल के रखा है। यह नंबर सिर्फ हम लोगों को ही मालूम है। याद रहे, अगर कोई भी इस नंबर पर कॉल करे तो फोन उठाना नहीं और संभल कर रहना, ना ही इससे किसी को कॉल करना है। ठीक है? फोन तेरे पास है? ला। नहीं तो अपुन के पास नहीं है? मैं लगाता हूं। फोन गाड़ी के अंदर है। का कुछ पता चला? यही है वो विजय। ओ, बालन सर ने बताया था, वो राधिका का लैपटॉप हमारे पास है, उसे चेक करना होगा। चलिए। मैं बस अभी आया अंकल। हाँ, अब तुम लोग निकलो। जितनी जल्दी हो सामान बाहर निकाल लेना। हाईवे पर बहुत पुलिस है, जरा संभल के रहना। लाखों का सोना है, जरूरत होगी तो टुकड़ों में बेच देना। एक बार तुम लोग ठिकाने पर पहुंच गए तो अजीत को बताना और अजीत मुझे। इसके अलावा किसी और से बात नहीं करना। चलो निकलो अब। इसका क्या? इसका, इसके टुकड़े कल सुबह इसका बाप रोते रोते अपने हाथों से जमा करेगा। अब तो खुश है ना? पुलिस अभी इस लड़की को ढूंढने में लगी होगी। यही वक्त है, हमें निकल जाना चाहिए। जाओ अब तुम लोग। ठीक है। चलो रे, जाओ। चलो तू गाड़ी में जा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ 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 हाँ, मैं कर रहा हूं। रहने दीजिए सर, थोड़ा पी लीजिए प्लीज। सर हिम्मत रखिए, राधिका बहुत ब्रेव है। इतने बंदोबस्त के बाद भी वो लोग ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते हैं सर। बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ट्रस्ट मी। सर आप घर जाइए, यहां बैठकर सिर्फ स्ट्रेस होगा। अगर यहीं बैठा रहूं तो कुछ तकलीफ है? नहीं सर, मैं अपडेट करता हूं। प्लीज घर जाइए, प्लीज। मैं छोड़ू? सर मुझे उन लोगों का एक्सेस मिल गया है। ओके, क्या हमें और कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? मैं चेक करके बताता हूँ सर। ओके। क्या हुआ सर? वो मेरा फोन। मैं कॉल करता हूँ। आधा घंटा पहले मुझे किसी की कॉल आई थी, अननोन नंबर से। मैं उसे कॉल करके देखता हूं। सर एक मिनट। एक मिनट। अशरफ। यस सर। इस लास्ट नंबर को ट्रेस करो, लोकेशन टावर सब कुछ। ओके सर। डिटेल्स, मेक इट फास्ट।
कहीं ये उन्हीं लोगों का तो नंबर नहीं? पता नहीं सर, देखते हैं। अगर मेरी बेटी को छोड़ने के बदले में कैश मांगेंगे तो? मुझे नहीं लगता सर। मुथु, तुम्हारी बीवी बॉम्बे में नहीं है। क्या? जैसा तुम्हें लगता है तुम्हारी बीवी बॉम्बे में नहीं है। ये तेरे को कैसे पता? तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत प्यार करती थी ना। अपना मुंह बंद रख तू। तो फिर वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? वो तमिलनाडु में है। क्या? उड्डुमापेट, पोलाची से 30 किलोमीटर दूर। उसका घर क्रिश्चियन चर्च के बाजू में है। भरोसा नहीं हो रहा है ना मुझ पे? सोचा कि मरने से पहले तुम्हें ये बात बता दूं। उल्लू बना रही है ना? नहीं। फिर? तुम इतने सालों से उसे ढूंढ रहे हो, जाके उससे पूछ लो क्यों भागी। नहीं तो बीजू जैसे नामर्द बोलेंगे कि तुम उसे खुश नहीं रख पाए। तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। खोपड़ी तोड़ दूं तेरी, सारा दिमाग बाहर निकल जाएगा। सर, जब राधिका ने बालन सर को कॉल किया था तब ये नंबर भी उसी टावर के लोकेशन में था। सर, ये नंबर अब भी एक्टिव है। रुक क्यों गए तुम? आसानी से तुझे नहीं मारूंगा, तड़पा के मारूंगा। अगर मैं मर भी गई तो भी तुम बच नहीं पाओगे। तुम लोग कहीं भी जाकर छुप लो, पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी। इस जाल से तुम्हें निकालने का मैं एक लौता रास्ता हूं। मेरे लैपटॉप से ही वो डीएक्टिवेट हो सकता है। मैं तेरा विश्वास करूं? नहीं। तुम्हारी खोई बीवी इस वक्त कहां है और किधर है ये बात मैं अच्छे से जानती हूं। तुम्हें विश्वास करना होगा। हाँ अशरफ, पहुंच गए? यस सर। तुम मार्केट के साइड रोड के यहाँ पे खड़े हो और मैं मस्जिद के पास एक रोड पे खड़ा हूँ। ये बस दो ही एग्जिट्स हैं। दूसरी तरफ एक गटर है, ये दोनों एग्जिट्स को ब्लॉक किया है। अशरफ, तुम दूसरी तरफ धीरे धीरे मूव करो। यस सर। तुम लोग यहीं पे रुको। सर, कुछ भी हो जाए जीप से मत उतरना प्लीज। ठीक है, चलो चलो सर। एक मिनट। राजन, 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 तुम राजन को संभालो। Oh!
तू उधर जा। अब हम इंतजार करते हैं। अभी हंस ले, बाद में तेरी चीख सुनाई देगी। भाभी से मिलो तो मेरा प्रणाम कहना। जो पूछना है पूछ लो, वरना मरने के बाद कुछ नहीं पता चलेगा। मुथु, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुझे क्या लगा? तुझे एक बात बताता हूं जो आज तक इन लोगों को भी नहीं बताया। मैंने अपनी बदचलन बीवी को अपने हाथों से मारा है। तेरे मरने के बाद अब इसके बारे में कोई नहीं जानेगा। तो तू तो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ रही थी, सुनने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मजा तेरे चेहरे के डर को देखकर आ रहा है।
ओ चिल्लाती रहे, मुझे भी देखना है तुझे बचाने कौन आता है। अगर मुंह नहीं खोला तो जबान बाहर निकाल दूंगा। अब तक तो मर गई होगी। बता किधर है वो? मारने वाले के बारे में जान के कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मेरी बेटी दे दे, मेरे पास जो कुछ भी है मेरा सब ले ले। बालन सर प्लीज, तेरे सारे केसेस आज के बाद मैं ही लड़ूंगा, मेरा विश्वास कर। तुझे बचाने के लिए मैं किसी भी कोर्ट में चला जाऊंगा। मेरी इकलौती बेटी है, उसे माफ कर दे। चुप है, मुंह बंद कर। सर अगर अभी गए तो कुत्ते उसके टुकड़े खाने से पहले पहुंच जाओगे। मुंह बंद कर। सर रात रानी मर गई। सर रात रानी चली गई। क्या कहा रात रानी? कैसा लगा रात रानी? अब होगी रात काली। हेलो विजय। हेलो अंकल। बेटा राधिका ने अपने फोन में एक नंबर रात रानी के नाम से सेव किया था, देखना जरा वो नंबर मिल रहा है क्या। ओके। इस नंबर का इस्तेमाल वो उसके ईयरफोन को मॉनिटर करने के लिए करती थी अपने लैपटॉप से। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या? जरा देख बेटा। ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ अंकल। ईयरफोन? हाँ। तो सच में ये खरीदने का है क्या? ए तू चुप करना, इतने दिन बाद तो जाके ये ब्लूटूथ लेने को तैयार हुआ है, अब लेने देने छोड़। हेलो हेलो फास्ट कुरियर है? हाँ बोलिए। हाँ मेरे फ्रेंड ने एक ब्लूटूथ ईयरफोन ऑर्डर किया था, आज डिलीवर होगा ऐसा मैसेज आया था, पर वो घर पर नहीं है तो उसने मुझे ऑफिस से कलेक्ट करने को कहा है। ओके मैडम, आपको एक ओटीपी आया होगा। हाँ। तो ऑर्डर आईडी के साथ उसे भी शेयर। हाँ, एक सेकेंड। हाँ ऑर्डर आईडी नोट कर लीजिए, D5GHY6। अरे ये क्या चीज है? कुछ नहीं है, मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए लिया। अरे कौन सा फ्रेंड? हैबिट्स। अगर किसी की आदतों पर अच्छे से गौर किया जाए तो उसके राज का दरवाजा खुल जाता है। वो ईयरफोन ऐसे लेके घूमता है जैसे उसके शरीर का कोई हिस्सा हो, यही हमारा खुला दरवाजा है। ये ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ तुम क्या करने वाली हो? वो इस ईयरफोन के साथ जहाँ भी जाएगा, वो जो भी इससे सुनेगा वो सब मुझे सुनाई देगा। अगर वो फोन यूज नहीं भी कर रहा हो तब भी मैं उसे लाइव मॉनिटर कर सकती हूँ। वो कैसे? रात रानी याद है, उसकी मदद से। भाई ईयरफोन ऑर्डर किया था ना, ईयरफोन वो कुछ है ना, जॉर्ज बुश बन जा। हाँ। आज तो नसीब भी तेरा साथ दे रहा है, जो ट्रेन 3:15 बजे आने वाली थी वो आज लेट है। 15 मिनट तुझे और जीवन देने के लिए इंडियन रेलवे को तुझे धन्यवाद बोलना चाहिए।
सर इस नंबर का टावर लोकेशन मिल गया है, हमारी एक पेट्रोल यूनिट निकल चुकी है सर। हाँ विजय। सर उस एयरफोन की कुछ आवाजें मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप एक बार सुन लीजिएगा। ओके सुनता हूँ। उस एयरफोन से कुछ ऑडियोज मिले हैं सर। भाभी हंसले बाद में तेरी चीख सुनाई दे गई। भाभी से मिलो तो मेरा प्रणाम कहना, जो पूछना है पूछ लो वरना मरने के बाद कुछ नहीं पता चलेगा। वो जिंदा है। आज तो नसीब भी तेरा साथ दे रहा है, जो ट्रेन 3:15 बजे आने वाली थी वो आज लेट है। 3:15 बजे की कौन सी एक्सप्रेस है? और जीवन देने के लिए इंडियन रेलवे को तुझे धन्यवाद बोलना चाहिए। पुलिस आ गई, पुलिस चल भाग। इतना लेट क्यों आए आप? वो सन की लोग मेरी जान ले लेते तो। हंस क्यों रहे हैं आप? आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे पता था तुझे कुछ नहीं होगा राधिका। कैसे? कहते हैं भगवान शैतान को मरने नहीं देता। अरे सुनो, भाभी के बारे में मैंने झूठ क्या बोला? तुमने तो अपना छुपा हुआ राज खुद ही खोल दिया। अब हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जान गए हैं तो सोच रही थी तुम्हारा राज मैं दिल में रखूं या सबको बता दूं। कीड़ा। कौन है वे? 2-3 दिन से परेशान कर रहा है, तुझे क्या चाहिए? अब अगर मुझे दोबारा कॉल किया ना, तुझे मैं भाड़ में जा मवाली। फोन रख। क्या हुआ? एक अननोन नंबर से 2-3 दिन से कोई कॉल और मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है। नंबर ब्लॉक किया तो दूसरे नंबर से कॉल करता है, फेसबुक पर भी मैसेज भेजता है। उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दो। कौन सिरदर्द पालेगा मैडम? घबराओ मत, मेरी अच्छी पहचान है, वो नंबर भेजो। भेजो। मिल गया। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू।